بھائیو بہنو، ماں بھارتی کی رکشا کے لیے جب بھی بلیدان دینے کا اوسر آیا، آج بھی آتنکوادیوں سے لڑتے لڑتے، دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہونے والوں میں ہمارے جونپور کے نوجوان اگریم پنکتی میں ہوتے ہیں۔ ایسے ویروں کو، ویروں کی اس دھرتی کو آج مجھے پرنام کرنے کا اوسر ملا ہے۔ ہمارے دیش کا یہ درباگیہ رہا ہے کہ ستا کے سوارتھ میں ڈوبے ہوئے لوگ ویرودواد کی ہی راجنیتی کرنے کے عادی لوگ کبھی کبھی مریادائیں کھو دیتے ہیں اور ایسا پاپ کر بیٹھتے ہیں جس کو نہ سمے معاف کرے گا نہ لوگ معاف کریں گے۔ جب ہندوستان کی سینا نے سرجیکل سٹرائک کیا، سیما پار اس اور جا کر کے ہماری فوج نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے، آتنکوادیوں کے کیمپ دھوست کر دیے، اور سورج اگنے سے پہلے سارے میرے فوجی جوان ہندوستان کی دھرتی پر واپس لوٹ آئے۔ بھائی، یہ فوج کا کتنا بڑا پراکرم تھا، کتنا بڑا ساہسپورن کام تھا اور کتنی باریکی سے پلان کیا ہوا کام تھا۔ بھائیو بہنوں، سرجیکل اسٹرائک دنیا کے دیش کے لوگ، بھارت کے فوج نے جو پراکرم کیا اس کا ابھی بھی ادھیان کر رہے ہیں کہ کون سی طاقت ہے۔ بھائیو بہنوں، لیکن دیش کا درباگیہ ہے کہ راجنیتک سوارتھ میں ڈوبے ہوئے کچھ لوگ دیش کی فوج پر، دیش کے ویر جوانوں پر سوال کھڑا کرنے لگ گئے۔ سوال یا نشان کھڑا کرنے لگ گئے، کیا سرجیکل سٹرائک ہوا تھا کیا؟ وہ کہہ رہے تھے مودی ذرا ثبوت دو، ثبوت۔ میں ذرا راجنیتی کے سوارتھ میں ڈوبے ہوئے دلوں سے، ان کے نیتاؤں سے کہتا ہوں، ذرا جونپور جائیے، ان ویر شہیدوں کی ماتاؤں کو پوچھئے، ان کے پریوار جنوں کو پوچھئے کہ فوج بلیدان کیسے دیتی ہے۔ دیش کی فوج کے لیے اس پرکار کے سوال یا نشان لگاتے ہو اپنے نیجی سوارتھ کے لیے؟ بھائیو بہنو، دیش کی سرکشا بھی ان کے لیے راجنیتی کا ہتھکنڈا بن گیا۔ 40 سال سے دیش کی فوج کے لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ سرکاریں آتی تھی جاتی تھی، وعدے کرتی تھی، کمیٹیاں بٹھاتی تھی، رپورٹ آتے تھے، رپورٹ ڈبے میں بند ہو جاتے تھے،
फौज के लोग डिसिप्लिन में रहते थे लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। हमने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया, चार किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। भाइयों बहनों, आगे वाली किस्त भी इस बजट में देने का फैसला कर लिया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका साथ, लेकिन कुछ लोगों का, राजनेताओं का कारोबार आपने देखा है, सरकारों का कारोबार देखा है, उनका मंत्र है कुछ का साथ कुछ का ही विकास। भाइयों बहनों, हम सबका साथ सबका विकास की चर्चा करते हैं तो हमें कोमवादी कहा जाता है, और जो लोग सिर्फ कुछ का साथ और कुछ का ही विकास में लगे रहते हैं उनको बड़ा विद्याप्रदायी कहा जाता है। ये तराजू वालों ने भी देश को तबाह करके रखा हुआ है। मैंने फरमान किया, हमने कहा भाई 1,000 दिन में मुझे ये 1,500 गांवों में बिजली पहुंचानी है, और भाइयों बहनों 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का फैसला कर लिया। उत्तर प्रदेश के 1,500 गांवों में से 90% से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंच गई। भाइयों बहनों, काम ऐसे होता है। भाइयों बहनों, भारत सरकार 2400 घंटे बिजली देने के लिए पैसे दे रही है, भारत सरकार सस्ते में बिजली दे रही है, लेकिन इनको तो बिजली सिर्फ सफाई में चाहिए, जौनपुर में बिजली नहीं चाहिए। उनके चहेते जो लोग हैं उनके इलाके में तो 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन आपके इलाके में 24 घंटे बिजली देते नहीं। पैसे हमने दिए हैं, पड़े रहे पैसे, पैसों तक खर्च करने की उनको फुर्सत नहीं है। भाइयों, राजनीति करते रहना। भाइयों बहनों, गरीब के हक का पैसा भारत सरकार दे चुकी है, लेकिन ये नामों की सूची बनाने को तैयार नहीं है, तो गरीब के थाली में अन्न कैसे पहुंचेगा? भाइयों बहनों, हमें 11 मार्च को सेवा का अवसर दीजिए। ये सारी कमियां हम दूर करने के लिए आपको वादा करते हैं। हमारी गरीब मां जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी, दिन भर में खाना पकाते पकाते उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाता था, माताओं बहनों के शरीर में। मैंने कहा मैं इन मारी गरीब मां की सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, और इसलिए इन गरीब माताओं के लिए मैंने तय किया कि 3 साल के भीतर भीतर 5 करोड़ घरों में, 5 करोड़ गरीब घरों में मैं गैस का चूल्हा दूंगा, गैस का कनेक्शन दूंगा, और मुफ्त में पहला कनेक्शन दे दूंगा। इन गरीब माताओं के लिए मैंने तय किया कि 3 साल के भीतर भीतर 5 करोड़ घरों में, 5 करोड़ गरीब घरों में मैं गैस का चूल्हा दूंगा, गैस का कनेक्शन दूंगा, और मुफ्त में पहला कनेक्शन दे दूंगा। भाइयों बहनों, अभी तो योजना को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, अब तक 2.25 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों में गैस का सिलेंडर पहुंच गया, कनेक्शन लग गया। मैंने सपा सरकार की अधिकृत जो वेबसाइट थी वो जरा निकाल के देखा, और वेबसाइट में सपा सरकार ने उत्तर प्रदेश का क्या बुरा हाल किया है वो इसमें लिखा हुआ है।
जब मैंने पब्लिक में पढ़ दिया तो उनको लगा कि ये तो हमारी पोल खुल गई, कारनामे दिखाई देने लगे, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ऑर्डर किया कि वेबसाइट पर से उस पेज को हटा दिया जाए, और हटा दिया। अखिलेश जी एक काम करो, आप एक काम करो, आप जरा साइकिल पर बैठ करके और पीछे आपके नए यार को बिठा करके इसी हमारे जौनपुर में साइकिल पर बैठ करके खेतासराय से खुठानक, खेतासराय से खुठान साइकिल चला के दिखा दो, चला पाएंगे क्या? हमें विकास करना है, हमें विकास के लिए वोट चाहिए, हमें गांव के रास्ते बनाने हैं, हमें गांव को पानी पहुंचाना है। मुझे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों का साथ सहयोग चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आपका साथ सहयोग मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 5 चरण पहले पूरे हुए, आज 6ठा चरण चल रहा है, और जो अब तक खबरें आई हैं, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुमत दे चुके हैं। अब आपको भारी मतदान करके बोनस देने का आपके जिम्मे आया है। अगर अच्छा काम कोई करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। अब मुझे बताओ भाई, उनकी FIR लिखी गई, चुनाव सभा में मुख्यमंत्री गए, वो खुद मतदान करने गए, और अब पुलिस पकड़ने के लिए निकली है, इसको क्या कहेंगे भाई? ये धोखा है कि नहीं है? एक बेटी न्याय मांग रही है और मुख्यमंत्री जी गुनहगार को रक्षा कर रहे हैं, इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है भाई? कोई कैसे बताएं? और ये उत्तर प्रदेश, किसी की भैंस खो जाए पूरी पुलिस दौड़ती है, लेकिन ये बेटी न्याय के लिए तड़प रही है, और आपकी पुलिस, आपकी सरकार और मुख्यमंत्री सोए बैठे। भाइयों बहनों, ऐसी सरकार को सजा देनी चाहिए। माताएं बहने मां बहनों की इज्जत के लिए जो काम नहीं करती, ऐसी सरकार को सजा देनी चाहिए। बहन बेटियों की इज्जत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहन बेटियों को भी लड़कों की तरह ही सुख चैन से जीने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको प्रगति करने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनकी देखभाल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित है? ये इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं उत्तर प्रदेश वासियों को कहना चाहता हूं, 11 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी और साथियों की सरकार बनने के बाद थाना सच्चे अर्थ में थाना बनाएंगे, और जेल को भी पक्के अर्थ में जेल बनाएंगे। सारे बाहुबली मौज कर रहे हैं, एक दिन में उनको सीधा रहने के लिए सिखा देंगे। भाइयों बहनों, कानून व्यवस्था, अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी तो लोग यहां पूंजी निवेश नहीं करेंगे, कारखाने नहीं लगेंगे, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे,
लोग अपना गांव छोड़ छोड़ करके भाग जाएंगे तो नौजवान को रोजगार मिलेगा क्या? नौजवान को रोजगार मिलेगा क्या? नौजवान को उसके जनपद में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन वो तब मिलेगा जब कानून व्यवस्था ठीक होगी, तब जाकर के कोई आएगा, उद्योग धंधे लगाएगा और तब जाकर के यहां का नौजवानों का भला होगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ये सबसे अहम मुद्दा है भाइयों बहनों। 500 की नोटबंदी की, 1000 की नोटबंदी की, तो सपा वाले भी चिल्लाने लगे, बसपा वाले भी चिल्लाने लगे, कांग्रेस वाले भी चिल्लाने लगे। क्यों भाई? बहन जी तकलीफ क्या हुई आपको? बुआ जी को भी तकलीफ, भतीजे को भी तकलीफ, भतीजे के यार को भी तकलीफ। मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं चौकीदार के नाते बैठा हूं वहां। 8 तारीख को मतदान है, आखिरी दौर में मतदान आपको करना है। एक प्रकार से जिन जिन लोगों ने पाप किया है, उत्तर प्रदेश को तबाह किया है, आपको 8 तारीख को पिंडदान करने का सौभाग्य मिला है। अब बीजेपी व अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेता लोग रोड शो आदि करके जो सड़कें नापने का काम कर रहे हैं, तो वह उनकी जीत के दावे के खोखलेपन होने के साथ साथ इस चुनाव में इनकी दयनीय स्थिति को भी काफी कुछ दर्शाता है। और आपकी भीड़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने बनारस की सभी विधानसभा की सीटों को जीतने का पूरा पक्का पक्का मन बना चुके हैं, अर्थात सभी सीटों को आप लोग जीतने वाले हैं। चाहे अब आपके इस वाराणसी सीट के सांसद व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आज फिर से यहाँ मंदिरों में जाकर कितनी भी आराधना आदि क्यों ना कर लें। और इसके साथ ही अपने केंद्रीय मंत्रियों की भी पूरी फौज यहां क्यों ना लगा दे। बनारस में अपनी पूरी केंद्र की सरकार की पूरी ताकत यहां क्यों ना लगा दे, पूरे मंत्रियों की फौज यहां पर क्यों ना लगा दे, तो भी इस बार ये लोग चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे। बीजेपी के का जो रोड शो था उसके बारे में तो मुझे ये भी मालूम हुआ है कि बीजेपी की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उनको अपनी चुनावी जनसभाओं में तो कई कई मंडल के लोगों को बुलाना पड़ता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और बाहर के राज्यों से भी बुलाना पड़ता है, बिहार और मध्य प्रदेश से। तो मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में तो वाराणसी की यानी कि आपके बनारस की स्थानीय भीड़ बहुत कम थी, और उत्तर प्रदेश में तो जिन जिलों में चुनाव हो चुका है तो वहां की भीड़ ज्यादा थी। जो मुझे बताया गया कि यहाँ की स्थानीय भीड़ बहुत कम थी, और उत्तर प्रदेश के तो जिन जिलों में चुनाव हो चुका है वहां की भीड़ ज्यादा थी। लेकिन ऐसा करके तो आप मीडिया में तो थोड़ी देर के लिए अपनी वाई वाई जरूर लूट सकते हैं कि रोड शो में इतनी भीड़ थी, लेकिन जो वोट देने वाली भीड़ है वो तो स्थानीय है, बाहरी जो भीड़ है वो आपकी रौनक तो कर सकती है, मीडिया में आपकी वाई वाई जरूर कर सकती है, लेकिन भारी भीड़ आपको वोट नहीं दे सकती है। वोट तो स्थानीय भीड़ ही देने वाली है, और स्थानीय भीड़ मुझे इधर अपनी चुनावी महारैली में नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के रोड शो में
जितनी भीड़ थी उसमें से तमाशगीर लोगों की ज्यादा भीड़ थी और जितनी भीड़ थी तो उससे कई गुना ज्यादा आपके इस चुनावी महारैली में भीड़ मुझे देखने के लिए मिल रही है। अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं। जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है, जिससे दुखी होकर अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का भी पूरा पूरा पक्का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी या प्रदेश में नंबर वन की दागी व बागी लोगों की ही पार्टी बन चुकी है, जिसके चलते अभी चुनाव में इनकी पार्टी के मूल कैडर के लोग ही अंदर अंदर इनको जरूर सबक सिखाएंगे, जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ रात दिन मेहनत करके खड़ा किया है। बहुत से जो मूल कैडर के लोग हैं आपके वाराणसी जिले में, कुछ सीटों पर तो उनके टिकट भी काट दिए गए हैं और पूरे प्रदेश में मुझे जिनके टिकट काटे हैं तो काफी लोगों ने बीएसपी ज्वाइन किया है। उन्होंने मुझे बताया कि बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के जो दागी और बागी लोग हैं जिनको टिकट दिया है बीजेपी ने, तो ज्यादातर ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दागी तो हैं ही बागी भी हैं, उनसे एक एक सीट के ऊपर चार चार पांच पांच करोड़ रुपया भी इन्होंने लिया है।